ऑन इंडिया न्यूज, मैं आपके साथ सलमान अहमद। आज रुक करते हैं ताजा तरीन खबरों को लेकर। 2022 चुनाव को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करते करते हम ग्राम सभा पयापुर में जो नगर पंचायत है वहां पहुंच चुके हैं और लोगों से हम बात करेंगे कि 2022 चुनाव को लेकर इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं, योगी सरकार दोबारा रिपीट होंगी या फिर अखिलेश या मायावती कोई दूसरा आएगा। तो हम लोगों से चल के बात करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुमित तिवारी है। ये बताएं 2022 चुनाव को लेकर आपके मन में क्या विचार चल रहा है? इस बार अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। योगी जी के साथ योगी जी ने कुछ नहीं किया। योगी जी बता रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर उन्होंने ही बनवाया है। हाँ। ये सब तो झूठ बोल रहे हैं उन्होंने। झूठ, ये तो झूठों की सरकार है। उनकी तरफ से राशन फ्री दिया जा रहा है 2000 रुपए। ये तो संविधान में लिखा है कि राशन किसी की भी सरकार होगी राशन मुफ्त मिलेगा, ये उन्होंने नहीं दे रहे हैं। आपकी सरकार में क्या मंत्रणा रखा गया है कि 2022 चुनाव जीतने का? हमारी सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सिंचाई फ्री होगी, बिजली फ्री होगी, मुफ्त राशन मिलेगा और बहुत सारी सी योजनाएं। क्या नाम आपने बताया? मेरा नाम सुमित तिवारी है। सुमित तिवारी जी ने अभी जैसे बताया कि 2022 में अखिलेश सरकार ही लाना चाहे। अगले भाई से बात करते हैं। बताएं आपका क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव। यादव जी, यादव जी इस बार से यहाँ बनाएंगे, किसको बनाएंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी। योगी जी क्यों? पूर्व अहमद योगी को नहीं पसंद करते। क्यों नहीं पसंद करते? उनको झूठ झूठ सरकार है। झूठ सरकार है बताते हैं। उसमें कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था कोई लायक नहीं है उसमें और बहुत बहुत दिक्कत पड़ती है जनता को। हाँ बोल उठ फातिया। बार अखिलेश सरकार ही बना। जी जी हाँ बहुत बहुत। आप अपना नाम बताए। राकेश यादव। राकेश यादव। यादव जी आप भी यादव जी अभी यादव जी ये बताएं कि अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार बन रही। अखिलेश योगी जी क्यों नहीं? योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया पूरी। वो बता रहे हैं इस सरकार में महिलाओं को सुरक्षित? महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। जैसे बताएं हाथरस का कांड तो आपने देखा है, सुना ही होगा। कई जगह से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कितने मतलब कितने बहुमत से आप बनाएंगे अखिलेश सरकार? अखिलेश पूर्ण बहुमत से सरकार बनने। मायावती भी लास्ट ऑप्शन है, उनको क्यों नहीं? मायावती नहीं है लड़ाई में। अच्छा लड़ाई में ही नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आप बताएं। हमारा नाम तेजस्व सिंह है, हम हुजूरपुर से हैं। जी आप बताएं किसकी सरकार बनानी है? इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है क्योंकि छुट्टा जानवर। नहीं योगी जी की सरकार में ठाकरों और ब्राह्मणों को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, तो फिर आप उसमें क्यों नहीं? हम जैसे नौजवान लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कहाँ सम्मान मिल रहा है? बेरोजगार घूम रहे हैं और क्या, पढ़ाई लिखाई से। इस बार अखिलेश यादव जी सरकार बन रही है और माननीय हमारे पूर्व विधायक मुकेश सरकार में राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा चल रहा है, कह रहे हैं उसको बनवाया। मंदिर मुद्दा चलने दीजिए, मंदिर मुद्दा से कुछ नहीं होना है। तो मंदिर मुद्दा हम लोग भी तो धर्म के हैं क्या? हम लोगों के राम जी नहीं है क्या? अखिलेश को बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग हम ग्रामीण में निकल के सर्वे कर रहे हैं तो ऐसे लोग बता रहे हैं वो मुस्लिम है, मुस्लिम को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कुछ नहीं, अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं पूर्ण बहुमत से। जी आप अपना नाम बताएं। राजू अहमद। अब की बार 300 पार। अहमद जी ये बताएं कि आपकी तो वैसे भी मैदान में आ रहे हैं? नहीं आप वैसे यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। नहीं वैसे ही सीट से हैं। नहीं तो अखिलेश यादव की सरकार बनी तो वैसे ही बहुत दावे कर रहे हैं मुस्लिमों के लिए, क्यों ऐसा? आप अखिलेश जी को क्यों नहीं? सबको मालूम हो गया है कि आप ऐसे कि कौन आदमी है आप ऐसे? वैसे वोट काटने आते हैं, ठीक है? वैसे क्या 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 कह रहे हैं? वो तो भाजपा का एजेंट है। और आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था कि योगी सरकार में ब्राह्मण और ठाकुर की बहुत इज्जत हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी हत्याएं हुई है सिर्फ ब्राह्मण समाज की हुई है। पूरे विधानसभा भी नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ कि जब से यहाँ हत्या ब्राह्मण की हुई है। अगर विकास दुबे अपराधी था, उसका 16 साल का जो लड़का था वो क्यों अपराधी? उसको क्यों गोली मारी गई? ये ब्राह्मण है, योगी जी से बहुत नाराज है। आगे चलिए हम जी आप बताएं। धरती माता और गौ माता जी से माताएं भी दुखी हैं योगी सरकार से। माताएं भी दुखी हैं? तीन माताएं हैं, घर की माता, धरती माता, गौ माता, तीनों माताएं दुखी हैं इस सरकार। आप किसान तो होंगे ना? किसान जी जी। छोटे जानवरों से परेशान है? उनसे बताया तो कि तीनों लोग कह रहे हैं कि गौशाला ग्राम सभा में बनवा दिया। कहाँ है कोई दिखाइए, कोई दिखावा है? चलिए घुमा के हम इधर दिखाते हैं और सभी है जो इनसे हम बात करते हैं। का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, हम चल चल के लोगों से बात करते रहे कि अब की बार किसकी सरकार। आगे हम चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लोगों से पूछेंगे किसकी सरकार बनाएंगे 2022 में, योगी जी रिपीट होंगे या फिर अखिलेश सरकार आएगी, बहुमत से बनाएंगे या फिर वैसे बनाएंगे। सर ये गमछा उमछा डाले अखिलेश यादव जी का, सपा पार्टी का है, तो ये बताएं अब की बार इनको बनाएंगे सरकार? बिल्कुल बननी चाहिए, तैयार है इनकी सरकार। तैयार है बिल्कुल। योगी जी का है ना? योगी जी आइए हमारे गाँव में, देखिए गाय की जानवरों की जान, खेतों में कुछ नहीं है। नहीं वो तो गौ माता है ना, गौ माता तो अपनी गौ माता को घर में रखेंगे। आप तुम्हारी माँ बुढ़ी हो गई है तो उनसे लाठी मार कर खेत दीजिए घर में। नहीं तो उनके लिए गौशाला भी बनवाया गया तो कहाँ गौशाला, कागज में गौशाला है योगी जी के कागज में। सरकार में राशन भी फ्री दिया? अरे राशन कौन सा, हम उनको अपनी ठीक से दे रहे हैं, हमारा टैक्स है,
हम उनको कपड़ा खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, गल्ला खरीदते हैं, वो हमारा सामान हमको दे रहे हैं, हजार रुपया पीएम सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे तो हम नौकरी भी तो कर रहे हैं भैया, रातों दिन की, अरे रातों दिन की नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 17 रुपए रोना बड़ा मुद्दा निकल रहा है। चार भाई है तो चार भाई तो सारा दिन गाय तो भी रखाते हैं भैया, सारी रात औरतें नहीं सोने पाती हैं, घर में हम नहीं देखते हैं कि किस तरह हम सोते हैं, रात को 2-2 बजे रात भर जागते हैं, हमारी सारे खेती चल गई, कौन दे रहा है। छुट्टा जानवर से बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है, इसलिए पूरा अपने भरात निकाल रहे हैं। अब कम से कम हजारों सैकड़ों मुकदमा लिखाया जा रहा है, 12 मुकदमा तो हमारे ऊपर लिखा दिया गया और क्या। नहीं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है राम मंदिर का, राम मंदिर बना, राम मंदिर में क्या मस्जिद मंदिर किसी को दाना देती है भैया, करोगे तो खाओगे, नहीं करोगे तो क्या खाओगे, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप हमसे ना पूछे, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि करोगे तो खाओगे, नहीं करोगे तो क्या खाओगे। देखिए ये घमसा लगाया है सपा पार्टी का, पूरी बहुमत से बनाना चाहेंगे अखिलेश सरकार, और ये भाई जो करें उनसे बात करते हैं। आप बताएं आपका क्या नाम है? ननके तिवारी। ननके तिवारी, तिवारी जी आप बताएं कि इस बार किसकी सरकार? अखिलेश जी की। अखिलेश जी की, योगी जी क्यों नहीं? अरे वो राजा कह चुके हैं, राजा के कैसे वो ब्राह्मण और इनको बहुत 1 करोड़ दिया जो है अयोध्या में भगवान राम, कहीं नहीं उनसे के जलाओ। नहीं नहीं बताया जा रहा कि सम्मान सम्मान जो वो हमारे लोगों के खून खून से दिया जला था, उनके थोड़ा जला था पैसे और का। नहीं तो ब्राह्मणों को सम्मान बहुत दिया जा रहा है, बता रहे हैं कि बहुत सम्मान है, जितने तो ब्राह्मण है तो मेरे सब और का, जैसे विधायक जी ब्राह्मण है, जितने ब्राह्मण के ऊपर मुकदमा लिखा गया सब उन्हें लिखवाए। मतलब सुभाष त्रिपाठी आपके यहाँ विधायक है, आप भी त्रिपाठी 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 अलग कहते हैं। त्रिपाठी मैंने तो चलिए कोम कोच भरी उनके वजह से तो वही तो पूछना चाहते हैं, आप बता रहे हैं कि उसमें सम्मान नहीं मिला, वो बता रहे हैं बहुत सम्मान, बहुत सम्मान देते हैं तो अपने घर का दे ही नहीं पाए तो हम उनका कावड़ देते हैं, जनता का देते हैं। देखिए ये भी सुभाष त्रिपाठी जो विधायक है यहाँ के वर्तमान यानी भाजपा सरकार से बहुत पीड़ित है, ये भी उनको करना नहीं चाहेंगे, अखिलेश सरकार ही लाना चाहेंगे। फिर हम चल चल के लोगों से बात करते रहेंगे कि अब की बार योगी सरकार रिपीट करेंगे नहीं करेंगे, उनका मन नहीं है बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं उनका मन बिल्कुल नहीं है, हम लोगों से बात करते रहेंगे किसी सरकार। ये लोग हमारे साथ बहुत बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे कि अब की ये बताएं जो हम 287 विधानसभा प्रयागपुर में कवरेज कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और यहाँ हम जानकारी चाहेंगे कि 287 विधानसभा में किसकी सरकार बनाने वाले हैं, कौन आने वाला है। यहाँ दो ही पार्टी बहुत ज्यादा जमके चल रही, मुकेश श्रीवास्तव एक है, दूसरे सुभाष त्रिपाठी, तो हम इनसे पूछेंगे कि अब की बार किसको बनाएंगे, ये बताएं यहाँ विधायक किसको चुनाव। अब की बार 2 लाख पार मुकेश भैया 2 लाख पार वोट से जीत रहे हैं चुनाव। मुकेश श्रीवास्तव को ही बनाएंगे? हाँ मुकेश भैया को ही विधायक। सुभाष जी तो है अपने, सुभाष जी ने फर्जी मुकदमा लिखाया गया, सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ तो ब्राह्मण समाज के ऊपर मुकदमा लिखाया, और वो कोटा सस्पेंड कराएंगे, प्रधानिक जांच कराएंगे, प्रधान उनके भट्ठा से ईटा नहीं खरीदेगा। वो तो दावे करें हमने बहुत विकास करवा दिया। अरे उनके दावे सब खोखले हैं, दबाव बना बना करके विनाश करा है, विकास नहीं करा है। देखो बता रहे हैं विकास नहीं विनाश करा है, क्या करें उनकी उनके काम है लूट घसोट भ्रष्टाचार, वो केवल अपना विकास किए, भट्ठा बना लिए और जो पेट्रोल टंकी बना लिए और सब कुछ बना लिए, यहाँ से बहराइच तक उनका सब विकास किए। अभी जो भी यहाँ है सभी 287 विधानसभा के जो लोग यहाँ खड़े हैं, ये लोग यहाँ जो विधायक बनाने से मुकेश श्रीवास्तव को बनाने, हम इनसे एक बार जोरदार से पूछेंगे कि अब की बार किसकी सरकार, एक बार आप लोग जोरदार से बता दीजिए कि अब की बार किसकी सरकार, फिर से बताएं मुकेश भैया अखिलेश यादव, देखो इन सभी के अंदर बहुत सारा जुनून भरा हुआ, बहुत सारा जुनून है, जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा जुनून। ये लोग बिल्कुल अब की बार कह रहे हैं कि इलेक्शन जिस दिन वोट पड़ना होगा बिल्कुल वहाँ बूथों पे लाइन लगा के पूरा बहुमत से हम वोट डालेंगे, और अब की बार किसको बनाना है बता चुके हैं, क्या करके बिल्कुल बैठेंगे वहाँ वोट डाल। देखिए हमारे साथ एक हजरत जुड़ चुके हैं और हम इनसे पूछने जाएंगे, सर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ सलमान अहमद, हमें जानना चाहेंगे तो 287 विधानसभा में आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? 287 ही क्या, पूरे प्रदेश में समाजवादी की लहर है और हम लोग समाजवादी की सरकार बनवा रहे हैं, और 287 में तो मुकेश श्रीवास्तव से अच्छा तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं है, वो पूरे विधानसभा के एक एक घर की आवाज है, एक एक जनता की आवाज है, उनसे अच्छा कोई प्रत्याशी ही नहीं है, उनके पूछे तो पूरा हमारा है 287 का जितने भी वोटर्स हैं सब उनके लिए दीवाना है। ओवैसी जी भी मैदान में आ चुके हैं, ओवैसी के लिए ओवैसी के आने से कुछ होने वाला नहीं है, देखिए ओवैसी जो है जो आ रहे हैं उनका यूपी में कुछ असर नहीं है, और वो जिस हार्ड लाइन की राजनीति करते हैं वो हमारे मुल्क के लिए हम सबके लिए बड़े नुकसानदेह। जैसे क्या क्या नुकसान है बता दें? नहीं सबसे पहली बात यह है
कि ये हमारा मुल्क जो सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, वन साइडेड की राजनीति यहाँ राजनीति नहीं हो सकती है। कोई भी वन साइड की राजनीति करेगा तो हम उसके मुखालिफ हैं। जिस तरीके से हम जो है आरएसएस का विरोध करते हैं, उसी तरीके से ऐसी राजनीति करने वालों का भी विरोध करते हैं।